राजस्थान के सिरोही जिले से जावाल होते हुए रामसीन भीनमाल मार्ग से लगभग 70 किलोमीटर दूर सोलंकी राजपूत वंश की कुलदेवी खीमज माता, जिसे क्षेमकरी माता के नाम से भी जाना जाता है, इनका चमत्कारी मंदिर है। प्राकृतिक छटा से आकर्षित करने वाले एवं टेढ़े मेढ़े मोड़ों से होते हुए हम पहुंचते हैं भीनमाल, जहां से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है माता का मंदिर, जहां पहुंचने पर आपको पार्किंग की ट्रस्ट के द्वारा एकदम बढ़िया व्यवस्था मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के प्रतिहार शासक जगधाम या जगा को कुष्ठ रोग हो गया था। तीर्थयात्रा के दौरान उन्हें श्रीमाल पाटन, जो भीनमाल के नाम से जाना जाता है, यहाँ लाया गया। जब वे नागा बाबा के बगीचे में आराम कर रहे थे, जो भीनमाल के दक्षिण में था, एक कुत्ता नागा बाबा के बगीचे में नदी के कीचड़ में लोट रहा था, राजा के पास गया और राजा के ऊपर से कूद गया। इससे गीली मिट्टी के कुछ कण राजा के पैरों पर गिरे और उन्होंने देखा कि जहां जहां मिट्टी गिरी वह स्थान कोढ़ से मुक्त हो गया। उस समय राजा को उस कुएं की मिट्टी में स्नान कराया गया, तब राजा को कोढ़ से राहत मिली और उनका शरीर मजबूत हो गया। उस समय प्रतिहार वंश के शासक जगा को भीनमाल का शासक स्वीकार किया गया। तब से माता क्षेमंकरी प्रतिहारों की कुल देवी बन गई। राजा जगा ने तालाब की मरम्मत की और एक विशाल और मजबूत शहर की दीवार का निर्माण किया। 12वीं शताब्दी में देवड़ा चौहानों ने प्रतिहारों को पराजित किया, जिसके बाद भीनमाल में केवल चौहान शासक ही बचे। जालोर के भीनमाल के पास क्षेमंकरी पहाड़ी पर स्थित क्षेमंकरी माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नवरात्रि में राजस्थान सहित देश भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। क्षेमंकरी माता अपभ्रंश में खीमज माता कहलाती है। दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक अनुसार पंथानाम सुप्थारु रक्षण मार्ग क्षेमकरी, अर्थात मार्गों की रक्षा कर पथ को सुपथ बनाने वाली देवी क्षेमकरी देवी दुर्गा का ही अवतार है। मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क स्वादिष्ट चाय एवं दूध की व्यवस्था की जाती है, जिसे पीकर श्रद्धालु थकान मुक्त हो जाते हैं। श्रीमाल समाज का उद्भव भीनमाल नगर में हुआ माना जाता है। प्रारंभ में क्षेमकरी पहाड़ी पर महालक्ष्मी का मंदिर था। महालक्ष्मी माता श्रीमालों की कुलदेवी है। श्रीमालों के सामूहिक भोज में महालक्ष्मी की पूजा के लिए विशाल घी का दीपक जलाया जाता था। यही महालक्ष्मी, जो ब्राह्मणों की कुलदेवी थी, भीनमाल के प्रतिहार शासकों की कुलदेवी हो गई। क्षेमंकरी देवी, जिसे स्थानीय भाषाओं में क्षेमज, खीमज, खीमवज आदि नामों से भी पुकारा व जाना जाता है, कहा जाता है कि किसी समय उस क्षेत्र में उत्तमौजा नामक एक दैत्य रहता था, जो रात्रि के समय बड़ा आतंक मचाता था। उसके उत्पात से क्षेत्रवासी आतंकित थे। उससे मुक्ति पाने हेतु क्षेत्र के निवासी ब्राह्मणों के साथ ऋषि गौतम के आश्रम में सहायता हेतु पहुंचे और उस दैत्य के आतंक से बचाने हेतु ऋषि गौतम से प्रार्थना की। ऋषि ने उनकी प्रार्थना पर सावित्री मंत्र से अग्नि प्रज्वलित की, जिसमें से देवी क्षेमंकरी प्रकट हुई। ऋषि गौतम की प्रार्थना पर देवी ने क्षेत्रवासियों को उस दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाने हेतु पहाड़ को उखाड़कर उस दैत्य उत्तमौजा के ऊपर रख दिया। कहा जाता है कि उस दैत्य को वरदान मिला हुआ था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। अतः देवी ने उसे पहाड़ के नीचे दबा दिया। लेकिन क्षेत्रवासी इतने से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें दैत्य की पहाड़ के नीचे से निकल आने आशंका थी। सो क्षेत्रवासियों ने देवी से प्रार्थना की कि वह उस पर्वत पर बैठ जाए जहां वर्तमान में देवी का मंदिर बना हुआ है, तथा उस पहाड़ी के नीचे दैत्य दबा हुआ है। शारदीय नवरात्रि को लेकर खिमज माता मंदिर में
हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। विशेष आकर्षक रोशनी से मंदिर को सजाया जाता है। इसके अलावा विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी रहता है। शारदीय नवरात्रि को लेकर भीनमाल क्षेत्र सहित प्रदेश भर व अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं ट्रस्ट की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए माकूल व्यवस्था की गई है। जीवन में कभी भीनमाल जालौर आने का अवसर मिले तो माता के दर्शन अवश्य करें। माता आपका कल्याण करें। जय माता दी।